नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। हमारे साथ दो सहयोगी हैं हमारे, नवनीत शरण जी और विनोद दबास थे। आज हम तीन लोग चर्चा करेंगे किस तरह से दिल्ली में सियासी मसले हर दिन से नए मुकाम पे जा रहे हैं। अभी तक जो है आम आदमी पार्टी कंटिन्यूसली पिछले एक हफ्ते से भाजपा और सेंट्रल गवर्नमेंट पर हमलावर थी कानून व्यवस्था को लेकर। आज जो पंजाब में इंसिडेंट हुआ है जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री के ऊपर फायरिंग की कोशिश की गई है, उसको लेके भाजपा यहाँ पे भाजपा ने तीखा हमला किया है आम आदमी पार्टी की सरकार पे पंजाब की। उनकी क्या है भाजपा का स्टैंड आज का पंजाब की, दिल्ली स्पेशली दिल्ली भाजपा का पंजाब के इंसिडेंट को लेकर? आज अगर विधानसभा की शुरुआत जो हुई तो लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत बड़ा मुद्दा था। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर पे कंप्लीट रूप से भाजपा को कटघरे में खड़ा किया गया। उसके बाद पिछले एक हफ्ते से चल रहा है, लेकिन आज जो सेशन था आज पर्टिकुलरली इसी चीज से स्टार्ट हुआ है, जबकि जो नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेके आए थे शिक्षा व्यवस्था, लेकिन फिर वेल में सारे लोग आ गए और कानून व्यवस्था पे ही जो है चर्चा हुई इसमें। उसके बाद अचानक से एक इंसिडेंट जो है वो रेज किया कि वहाँ स्वर्ण मंदिर में जो अमृतसर में जो है फायरिंग की घटना हुई, वहाँ वो बताया गया कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जो वीर सिंह बादल, उन पे फायरिंग की बात बताई गई। हालांकि बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने, जैसा कि बताएंगे आप, कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था विधानसभा सेशन में जो सुन रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने जो है इसमें काफ़ी बचाव किया अपनी पार्टी की सरकार का। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने बहुत बड़ी घटना रोक दी और मैं उसकी जो है तारीफ करता हूँ, उसकी पीठ भी थपथपाई। हाँ, घटना निंदनीय है तो इससे घटना की निंदा भी की उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने भी किया, भाजपा ने भी किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल का स्टैंड ये था कि चूंकि पंजाब पुलिस ने उस इंसिडेंट को, एक फायरिंग हो गई लेकिन कुछ भी किसी का कोई हानि नहीं, नुकसान नहीं हुआ, बाल बाल बच गए, तो जो वो किया पंजाब पुलिस ने जिस तरह से बचाव किया उसकी तारीफ करी है पंजाब पुलिस की और अपनी सरकार की भी। बिल्कुल, जिस तरीके से जो दिल्ली में लगातार इंसिडेंट देख भी रहे हैं हम लोग और पुराने पूरा डाटा निकाल के जो आम आदमी पार्टी भाजपा पे जिस तरीके से आरोप लगा रही थी, तो आज जैसे ही वहाँ पे अमृतसर के जैसे ही घटना घटी, उसके बाद बांसुरी स्वराज जो सांसद है नई दिल्ली की, उनको भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उतारा और उन्होंने जो कहा कि भाई आपका जो है फुल स्टेटशिप में पंजाब में है, यहाँ तो यूनियन टेरिटरी है जो कि आप आरोप लगा रहे हैं, तो आप अपने राज्य में जो है इस लॉ एंड ऑर्डर को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, जो कि स्वर्ण मंदिर में अगर कोई पिस्टल लेके चला जा रहा है और वहाँ पे फायरिंग तक कर देता है, ठीक है गनीमत रहा कि बादल साहब बच गए, पर इस चीज़ को लेके ये पूरी मीटिंग भी किए और आगे की भी स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। हालांकि आज इसमें एक इशू और दिखा है कानून व्यवस्था के साथ साथ ड्रग्स का इशू भी वो आया है। हाँ, पंजाब उड़ता पंजाब फिल्म पंजाब, हम लोगों ने देखा ही, और दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने भी ड्रग्स की बात कही विधानसभा में। इसपे नेता प्रतिपक्ष ने भी सदन में क्या बोला है, सदन में घेरा है उनको, उन्होंने बोला, उन्होंने जैसे इन्होंने नशीले पदार्थ बिकने का मुद्दा उठाया अरविंद केजरीवाल ने बोला कि उन्होंने सीधा सीधा अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि गुजरात से यहाँ पर ड्रग्स दिल्ली में नियर पूरे देश में पहुंच रहा है, जहां भी पकड़ा जाता है गुजरात का एंगल मिलता है और गुजरात में कच्चा माल हवाई समुद्र के माध्यम से आता है और वहाँ गुजरात की फैक्ट्रियों में ये नशीला पदार्थ तैयार किया जाता है। मतलब ये है कि जैसे मतलब एक तो कानून व्यवस्था पे चल ही रहा था, ड्रग्स का इशू भी आ गया, इसी बीच वहाँ पे दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हुई है जिसमें बादल साहब बच गए। कल हमने चर्चा में कहा था कि इस मुद्दे पे जो है भाजपा थोड़ा सा बैकफुट पे आ रही है, लेकिन आज उसको जो है एक मौका मिला है कि आम आदमी पार्टी, चूंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी फुल स्टेट, हाँ एक तो इशू है ना फुल स्टेटहुड है वो, उसमें जो है पूरी तरह से कानून व्यवस्था राज्य सरकार के अंडर में है। और नशीले पदार्थों की जब चर्चा हो रही थी तो नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इन पे तीखा हमला बोला, उन्होंने शराब का इशू उठाया। बिल्कुल, अभी पिछले दिनों ही एलजी ने भी ये कहा है कि ड्रग दिल्ली को जो है ड्रग मुक्त हम करेंगे। एक कैंपेन चलाया है एलजी ने, चलाया हुआ है कि सारा कुछ ड्रग मुक्त करेंगे, उसी हमें लगता है उसका भी एक इम्पैक्ट होगा ड्रग की बात जो सत्ता पक्ष भी कर रहा है। नहीं, वो जो राजनीतिक मुद्दा ज्यादा दिख रहा था क्योंकि वो सीधा सीधा टारगेट है जो केंद्रीय गृह मंत्री, नहीं वो ग्राउंड लेवल पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी नशा मुक्ति केंद्र जो है
उसमें बहुत सारे ड्रग्स तो है, वो है, बिक तो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो है वो चर्चा थी उन्होंने पॉलिटिकल ज्यादा, उधर बिजनेस गुप्ता ने भी इशू है, मतलब कानून व्यवस्था भी इशू है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, ड्रग्स भी इशू है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ड्रग्स का इशू ज्यादा पंजाब में है। हाँ, यहाँ के कंपैरिजन में पंजाब में ज्यादा है, पंजाब में ज्यादा है, और कई बार ये भी कहा जाता है पंजाब के थ्रू भी दिल्ली में आ रहा है वो ड्रग्स आ रहा है, गुजरात के थ्रू दिल्ली में, वो जो सप्लायर है तो जहाँ से भी उनको मौका मिलेगा, क्रिमिनल है वो, किसी से दोषी थोड़े, उनकी उनको तो पैसा कमाना है, अपना माल खेत खपाना है, उसके हिसाब से वो लोग देखते हैं। और शराब का ज्यादा, दिल्ली के साथ ज्यादा दिक्कत ये है कि आप ये देखेंगे सोशल मीडिया पे भी ये जो है दोनों पार्टियां जबरदस्त रूप से लॉ एंड ऑर्डर को ट्रेंड करा रही थी, ड्रग्स को जो है ट्रेंड करा रहे थे, मतलब कैसे एक दूसरे को घेरे, चूंकि ये एक नैरेटिव तो सेट कर दिया था दिल्ली गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी की सरकार ने नैरेटिव सेट कर दिया था कि भाई लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का गलत है, ठीक है, इस पे घेर चुकी थी, लेकिन आज वही है कि थोड़ा सा ये कोशिश किए कि हम नैरेटिव सेट करें कि पंजाब की जो हालत आप सुधार नहीं रहे हैं और दिल्ली की बात करें, अपने बचाव में ही कहिए जो भी। तो जैसा कि बातचीत से स्पष्ट हुआ कि पॉलिटिकल उठापटक चलेगी, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, और ये अगले दो महीने तक जब तक चुनावी मैदान में रहेंगी पार्टियां तब तक ये चलता रहेगा, और हर रोज हम जो है आप लोगों को दिल्ली की पॉलिटिकल घटनाक्रम से, सियासी घटनाक्रम से आपको रूबरू कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर किसी नए पॉलिटिकल इशू के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।